दोस्त फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही शॉर्टकट बात कि अपन सब आईटीआई करते हैं, लेकिन आईटीआई के बाद हमारा क्या शेड्यूल रहता है ये हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्त आईटीआई करने के बाद हमारा जो मेन लक्ष्य होता है कि हम किसी न किसी एग्ज़ाम को फाइट करें, तो फाइट हम कैसे करेंगे उसका इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ कि हमें हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क ऐसा करना है कि जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को क्लियरली बिल्कुल समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा तो यही होगा। ये नहीं करना है कि ये भी होगा वो भी होगा। तो हम हार्ड वर्क करेंगे और तरीके से हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम में सफल होंगे। हम क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़िए हमारे साथ और हमारे पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है कि किस बाइस का स्पिंडल लंब रूप में खुलता है, यानी लंब रूप का मतलब होता है वर्टिकली, यानी हमारे जो बाइस रहती है तो कौन सी बाइस ऐसी होती है जिसका स्पिंडल वर्टिकल यानी लंब रूप में खुलता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, पिन बाइस है, पिन बाइस गलत आंसर हो जाएगा। पिन बाइस का स्पिंडल जो होता है ये जो है चक की तरह होता है, ये रेडियल में खुलता है, रेडियस में खुलता है पिन बाइस का। लेग बाइस का जो होता है ये भी रेडियस में खुलता है। और जो हमारी पाइप बाइस होती है तो जो पाइप बाइस का स्पिंडल होता है दोस्त हमारा वर्टिकल खुलता है, तो इसका सी आंसर जो है थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और चेन पाइप बाइस होती है, ये चेन बाइस पाइप में स्पिंडल नहीं होता है, इसमें चेन लगी होती है, इसलिए हमारा ये फोर्थ आंसर गलत आंसर हो जाएगा। अब मैंने साइड में आपको समझाने के लिए सभी क्वेश्चन का साइड में पिक्चर दिया है ताकि आप पिक्चर से अच्छे से समझ सको। देखिए इसमें एक पाइप बाइस बनी हुई है, इसमें एक जो है एक इसका जो जबड़ा है वो नीचे है, एक जबड़ा इसका ऊपर है, इस प्रकार से भी शेप में एक फिक्स जो होता है एक मोबाइल जो होता है, और जो ऊपर वाला मोबाइल जो है ये स्पिंडल से जुड़ा हुआ है और ये हैंडल से जुड़ा हुआ है। जब हम इस हैंडल को ऊपर करेंगे तो हमारा ये मोबाइल जो है ऊपर जाएगा, और जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये मोबाइल जो हमारा नीचे आएगा। देखिए इसमें हमारा जो जबड़ा है ऊपर वाला मोबाइल जो है जो स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें अपर जो लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो अपर जो होता है यही वर्टिकल मूव करता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ कि जो पाइप बाइस के जबड़े होते हैं वो भी शेप में बने होते हैं, क्योंकि ये पाइप को ग्रिप करते हैं। पाइप को ग्रिप करने के लिए किसी सिलेंड्रिकल माध्यम को ग्रिप करने के लिए भी ग्रुप चाहिए, और ये हमारे पाइप को चार जगह से टच करते हैं। ये हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो दो जगह से टच करता है, और ऊपर वाला जबड़ा जो होता है वो दो जगह से टच करता है। तो पाइप जब ग्रिप हो जाता है तो हमारी पाइप बाइस हमारे पाइप को चार जगह से पकड़ लेती है। तो इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सही तरीके से सही आंसर याद करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चेन पाइप बाइस कितने साइज का जॉब पकड़ सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मली पाइप बाइस होती है वो 63 mm तक पकड़ती है, इसलिए जो पहला आंसर होगा ये साधारण पाइप बाइस का होगा। जो हमारा चेन पाइप बाइस होता है ये 63 mm से अधिक की जॉक पकड़ती है, तो हमारा इसका आंसर होगा 63 mm से 200 mm, इसीलिए सी आंसर राइट आंसर होगा। इसका सेकेंड भी गलत हो जाएगा और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। अब चेन पाइप बाइस जो होती है वो 63 mm से 200 mm तक क्यों पकड़ती है, और नॉर्मली बाइस होती है जो 63 mm तक पकड़ती है, जो फर्स्ट आंसर में दिया गया है। तो दोस्त इसमें जब हम चेन का देखिए इस साइड में चित्र मैंने बनाया है, इसमें जब कोई एक चेन देखिए लटकती हुई दिख रही है, तो चेन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो ये पाइप रहता है, तो ये पाइप में चेन जो हमारा रहता है ये चेन जो है हमारे पाइप को चारों तरफ से इस तरीके से कवर कर लेता है, और जितना चेन हमारा यूज होता है वो तो पाइप के चारों तरफ आ जाता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा चेन होता है वो नीचे लटकता रहता है, जिस तरीके से ये चेन जो है लटक रहा है आपको दिख रहा होगा। तो जब बड़ा पाइप रहेगा तो ज़्यादा चेन जो होगा वो सर्किल के ऊपर ऊपर आ जाएगा, जब छोटा पाइप होगा तो कम चेन जो सर्कमफ्रेंस पर आएगा पाइप के चारों तरफ आएगा। तो इस तरीके से ये लंबी रेंज में कार्य कर सकता है, क्योंकि हमारा चेन जो होता है वो छोटे से छोटे पाइप पर भी फोल्ड हो सकता है और बड़े से बड़े पाइप पर भी फोल्ड हो सकता है। तो इसका आंसर 63 mm से 200 mm होगा, और ये आंसर हर एक एग्जाम में हमेशा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग बाइस का मटेरियल क्या होता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अपवाद है, कोई किताब कहती है माइल्ड स्टील है, कोई किताब कहती है रोट आयरन है, कोई व्यक्ति कहता है, कोई टीचर कुछ कहता है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक ही एकदम सटीक आंसर बता रहा हूँ। तो लेग पाइप जो बाइस होती है, लेग बाइस जो होती है इसे हम फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं, जो मैंने चित्र साइड में बनाया हुआ है। एक जो होता है इसका एक लेग होता है जो हम एक मजबूत लकड़ी के साथ लगा देते हैं, और दूसरा लेग जो होता है ये दूसरा लेग है ये हैंडल के साथ लगा होता है, इसमें गर्म जॉब पकड़े जाते हैं। तो इसका जो एक सटीक आंसर वो रोट आयरन आंसर होगा। आप एक ही आंसर याद करिए, इसका कोई दूसरा आंसर याद मत कीजिए। यदि आपका रोट आयरन दिखता है तो हमेशा आप रोट आयरन ही आंसर लगाएंगे, और सबसे सही आंसर इसका रॉट आयरन आंसर होगा। कास्ट आयरन तो गलत ही हो बिल्कुल, स्टील भी गलत होगा, माइल्ड स्टील एक चोट हो सकता है, यदि
कभी रॉट आयरन ना हो चारों ऑप्शन में तो आप माइल्ड स्टेनलेस का आंसर लगाएंगे, अन्यथा इसका रॉट आयरन ही आंसर लगाएंगे। आप कोई व्यक्ति कुछ भी कहे लेकिन आपको रॉट आयरन ही याद रखना है। हैंड वाइस का मटेरियल क्या होता है? दोस्तों जो हमारी हैंड वाइस होती है ये छोटी वाइस होती है, इसे हम हैंड वाइस कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें एक बिगनेट लगा होता है, तो जो दोस्तों हैंड वाइस होती है उसका मटेरियल भी एक सटीक आंसर है, आप याद कीजिए उसका आंसर है माइल्ड स्टील। जो हमारी हैंड वाइस होती है वो माइल्ड स्टील की होती है, ना तो वो कास्ट आयरन की होती है, ना वो कास्ट स्टील की होती है, ना ही गन मेटल की होती है। इसका चित्र मैंने साइड में बनाया है ताकि आप समझ जाएँ कि ये हैंड वाइस होता है, और इसके बीच में एक स्प्रिंग लगी रहती है जिससे हमारे हैंड वाइस की जो दोनों लेग्स होते हैं वो प्रेशराइज खुल सकते हैं और अच्छे से लग भी सकते हैं। तो ये टेंशन देने के लिए बीच में एक स्प्रिंग लगाया जाता है हैंड वाइस के अंदर। कौन सी वाइस स्टील की बनी होती है? ये मैंने सटीक क्वेश्चन छांट कर बनाए हैं। तो जो स्टील की वाइस होती है उस वाइस को हम बोलते हैं टूल मेकर्स वाइस। इसका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। बेंच वाइस जो होती है वो कास्ट आयरन की होती है, लेग वाइस होती है वो रॉट आयरन की होती है, मशीन वाइस होती है वो भी कास्ट आयरन की होती है, और जो हमारी टूल मेकर्स वाइस होती है वो स्टील की बनी होती है। इसका मतलब इसलिए होता है क्योंकि हमारी टूल मेकर्स वाइस का उपयोग छोटे छोटे फिनिश पार्ट पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ टूल मेकर्स वाइस में, इसका देखिए इसमें जबड़े देखिए, इसका एक जबड़ा ये है जिसमें हमने टिक लगाया, दूसरा जबड़ा ये है, लेकिन इस जबड़े के सामने जॉ प्लेट नहीं लगाई जाती है। इसका जो जबड़ा होता है वो फ्लैट होता है, क्योंकि जब हम फिनिश जॉब को पकड़ेंगे तो यदि नर्लिंग होगी तो फिनिश जॉब पर नर्लिंग के निशान या स्पॉट बन सकते हैं, इसलिए इनके जबड़ों के आगे वाले हिस्से को फ्लैट रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि किस वाइस के जबड़े के आगे वाले हिस्से जो होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं, उस पर नर्लिंग नहीं होती है, और कौन सी वाइस स्टील की होती है, तो इसका आंसर होगा टूल मेकर्स वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब दोस्त मैंने ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिया, इसका वजह ये है क्योंकि जो भी एग्जाम हमारे आ रहे हैं अभी हाल में उन सब में शुद्ध हिंदी आता है, शुद्ध हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उनको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्त मैं आप सबको कहता हूँ कि आप हिंदी तो पढ़िए लेकिन आपको कम से कम इंग्लिश इतनी आना चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ सको। तो मैं इंग्लिश पढ़ के आपका आंसर बताता हूँ। व्हाट इज द मेटल ऑफ बॉक्स नट इन बेंच वाइस, यानी कि जो हमारा मेटल होता है बॉक्स नट का बेंच वाइस में, बॉक्स नट का मेटल क्या होता है? तो दोस्त जो बॉक्स नट का मेटल होता है वो गन मेटल होता है, गन मेटल राइट आंसर होगा। आपको सबसे पहले गन मेटल याद करना है। इसका दो मेटल और होते हैं मैं बता दूंगा, माइल्ड स्टील गलत हो जाएगा, कास्ट स्टील गलत हो जाएगा और एल्युमिनियम गलत हो जाएगा। यदि गन मेटल कभी किसी कारण एग्जाम में नहीं मिलता है तो आप फास्फोरस ब्रंज और कास्ट आयरन में से एक कोई आंसर यदि मिलता है तो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? गन मेटल। अब मैं बॉक्स नट आपको बता देता हूँ कि बॉक्स नट कहाँ होता है। तो दोस्त देख लीजिए, ये बीच में जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है, ये बॉक्स नट होता है, क्योंकि जो बॉक्स नट में ये स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल में ऊपर चूड़ी होती है, स्पिंडल जो होता है इस तरीके से वाइस का, उसमें ऐसे ऊपर चूड़ी होती हैं, और जो हमारा बॉक्स नट होता है वो अंदर चूड़ी होती हैं। तो हमारा स्पिंडल ही तो इस बॉक्स नट में कसता है। जब स्पिंडल जितना आप कसते जाओगे तो हमारा मूवेल जो उतना अंदर आता जाएगा, टाइट होता जाएगा, और जितना हम स्पिंडल को खोलते जाएंगे बॉक्स नट से तो उतना हमारा मूवेल जो बाहर आता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा नट बोल्ट का जो सिद्धांत होता है उसी सिद्धांत पे हमारी वाइस कार्य करती है। बॉक्स नट और स्पिंडल होता है, इनमें स्क्वायर थ्रेड होती है दोनों के अंदर। इसमें भी कई लोग क्वेश्चन कहते हैं एक्मी थ्रेड ये वो, कौन सी थ्रेड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो साधारण वाइस जो होती है उसमें स्क्वायर थ्रेड होती है, यदि लेकिन कभी यदि स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन में ना हो तो हम स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड अर्थात एक्मी थ्रेड भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें स्क्वायर थ्रेड ढूंढना है आंसर, और वही को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ, हाउ लॉन्ग कैन द बेंच वाइस होल्ड, यानी ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो बेंच वाइस होता है वो कितना लंबा से लंबा जॉब को होल्ड कर सकता। हाउ लॉन्ग कैन द बेंच वाइस होल्ड, यानी होल्ड का मतलब होता है बांधना, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, यानी कितना लंबा से लंबा या कितना बड़ा से बड़ा जॉब हमारा जो बेंच वाइस होगी वो होल्ड कर सकती है। तो देख लीजिए दोस्त, जो हमारा बेंच वाइस होता है वो 75 से 150 mm होता है, तो बड़ा से बड़ा पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 150 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया लंबा से लंबा। यदि छोटा से छोटा पूछा जाता तो इसका ए आंसर हो जाता, 100 mm इसका मीडियम आंसर होगा, 125 मीडियम होगा, तो राइट आंसर होगा 150 mm। अभी इसको हम कैसे समझेंगे? तो दोस्त इसका जो बड़ा से बड़ा साइज होता है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो ये मैंने वाइस बनाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये जबड़े की चौड़ाई होती है, तो यही इसका साइज जो होगा वो 150 होगा बड़ा से बड़ा वाइस का। और यही जो जॉ की चौड़ाई होती है, इसमें देखिए जॉ प्लेट लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको, ये जॉ प्लेट इधर लगी हुई है,
जो ये लगी हुई है, ये दिख रहा है जो ये प्लेट लगी हुई, इसे जॉ प्लेट कहते हैं। तो हमारा 22 का साइज जॉ की चौड़ाई एवं जॉ प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। ये जॉ की चौड़ाई होती है और ये जो प्लेट लगी हुई है जो हल्का ग्रे कलर की दिख रही है जॉ प्लेट, तो ये जॉ प्लेट की लंबाई होती है। तो दोनों आंसर सही होंगे, जॉ की चौड़ाई से या जॉ प्लेट की लंबाई से। खैर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कितना बड़ा से बड़ा जॉब, तो इसका 150 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है, किस किस कारण से स्पिंडल घुमाने पर भी मोबाइल जो मूव नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारा स्पिंडल हम घुमाते हैं तो हमारी 22 का जो होता है ये स्पिंडल होता है ये बॉक्स नट में कसता हुआ आगे जाता है। तो हमारा जो ये मोबाइल जो होता है ये मोबाइल जो आगे आकर के फिक्स जॉ पर प्रेशर लगाता है यदि इसमें कोई जॉब होता है। तो दोस्त जब हम स्पिंडल को घुमाते तो आगे नहीं जाएगा, तो इसका वजह एक तो ये हो सकता है कि हमारा जो बॉक्स नट है ये इसका थ्रेड खराब हो गया हो, दूसरा हमारा कारण ये हो सकता है कि हमारी स्पिंडल की थ्रेड घिस गई हो। दो कारण, क्योंकि ये हमारा अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है और इसमें बॉक्स नट में स्पिंडल कस रहा है, तो दो रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन, ये पिन लगी हुई है, ये पिन जो होती है हमारा जो हम हैंडल घुमाते हैं ये हैंडल हमारा और स्पिंडल ये पिन के द्वारा क्वार्टर पिन के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। यदि ये क्वार्टर पिन टूट जाएगी तो हमारा ये हैंडल वाला जो स्पिंडल है वो ये चूड़ीदार वाला स्पिंडल ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारे तीन रीजन हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है स्पिंडल थ्रेड खराब होना, तो ये फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। बॉक्स नट की थ्रेड खराब होना ये भी राइट आंसर है। क्वार्टर पिन टूटी होने ये भी आंसर है। तो इसकी चारों आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए हमारा दोस्त फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, थोड़ा चित्र बना हुआ है कि इसमें जो हैंडल होता है इस हैंडल का साइज जो होता है हमारे 22 के साइज का 2.5 गुना होता है। तो ध्यान रखना, यदि 22 का साइज 100 mm है, मान लीजिए जो कि चौड़ाई 100 mm है और 22 का साइज 100 mm है, तो हमारी हैंडल की लंबाई 250 mm होना चाहिए। यानी कि स्पिंडल की जो हैंडल की लंबाई होती है, हैंडल लगा हुआ है, इसकी लंबाई 22 के साइज का 2.5 गुना होती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, मैंने अलग से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्लैंप क्यों लगाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे 22 के जो जो होते हैं, एक फिक्स जो होता है और एक मोबाइल जो होता है, तो इसमें 22 के जबड़ों के सामने कुछ क्लैंप लगाए जाते हैं सॉफ्ट मटेरियल की, वो क्लैंप क्यों लगाए जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। जॉब क्लैंप हो सके तो दोस्त हमारा जॉब क्लैंप से, हमारा जॉब क्लैंप नहीं होता है तो फर्स्ट आंसर गलत आंसर होता है। जॉब बांध सके तो दोस्त जॉब क्लैंप का बांधने से कोई रिलेटेड नहीं है। जॉब पर दाग धब्बे हो सके तो ये थर्ड आंसर, तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा, जॉब पर दाग धब्बे ना हो सके। अब इसकी वजह क्या होती है कि जो जो हमारी 22 होती है उस 22 के जबड़ों में जो होती है नर्लिंग होती है और वो हमारे जो जॉ प्लेट होती है वो टूल स्टील की होती है। तो टूल स्टील से जब हम किसी फिनिश जॉब को बांधेंगे तो फिनिश जॉब क्या होगा, हमारा फिनिश जॉब के ऊपर निशान या स्पॉट आ सकते हैं। तो क्या होता है, एल्युमिनियम की एक क्लैंप बनाए हुए होते हैं, देखिए प्लेन 22 क्लैंप, ये 22 क्लैंप जो है प्लेन 22 क्लैंप है। तो जैसे कोई जॉब हम इस प्रकार से बांध रहे, मान ली एक जबड़ा हमारा ये है और एक जबड़ा हमारा ये है, तो हम जब कोई जॉब बीच में बांधेंगे तो एक हम जो एल्युमिनियम की प्लेट एक इधर लगा देंगे और एक प्लेट हम इधर लगा देंगे, वो बीच में एक हम जॉब रख देंगे। तो ये जॉब को जब हम क्लेम करेंगे तो हमारी जो जॉब प्लेट थी वो हमारे जॉब से नहीं टकराएगी, हमारी जो क्लेम हम अगल बगल में लगा दिए हैं ये हमारे जॉब क्लेम की 22 क्लेम जो रहेंगे, वाई 22 जो रहेंगे यही जो हमारे जॉब के अगल बगल में टकराएंगे। देखिए इसमें हाफ राउंड 22 क्लेम रखे हुए हैं, इसमें हम हाफ राउंड जॉब को भी इस क्लेम की मदद से बेंच 22 पर हम राउंड जॉब को भी बांध सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें एक जो है ये भी वाला कॉम्बिनेशन क्लैंप बना हुआ है, ये भी वाला भी ग्रुप वाला 22 क्लैंप है, इसमें हम किसी भी ग्रुप या किसी ट्रेंगुलर या स्क्वायर शेप वाली जॉब को भी बांध सकते हैं इसके द्वारा, इसमें ये बना हुआ है। इसके बाद ये यू क्लैंप बना हुआ है, देखिए इसमें यू क्लैंप यू 22 क्लैंप बना हुआ है। तो ये दो पेयर में पाए जाते हैं क्योंकि हमारे 22 के दो जबड़े होते हैं, एक जबड़ा के राइट साइड लगेगा एक जबड़ा के लेफ्ट साइड लगेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा है हो जाएगा, जॉब पर दाग धब्बे ना हो सके या फिनिश जॉब को क्लेम करने के लिए जो आंसर मैच करेगा हम वो आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टीथ सेटिंग इज इन द हेक्सा ऑफ कोर्स पिच। यानी कि हेक्स लिख दिया है दोस्त, ये इधर पे हेक्सा होना चाहिए। यानी ये कहा जा रहा है कि कोर्स पिच वाला हेक्सा ब्लेड है, यानी उस ब्लेड में कौन सी दाँतें हैं कोर्स पिच वाले हैं। तो ये जो टीथ सेटिंग होती है ये कोर्स पिच वाली जो ब्लेड होती है उस पर कौन सी टीथ सेटिंग होती है। तो दोस्त
जो हमारी टीथ सेटिंग होती है वो तीन तरीके की होती है, यानी कि हमारी एक होती है सिंगल सेटिंग या स्टेगर्ड सेटिंग, दूसरी सेटिंग होती है उसे हम बोलते हैं डबल सेटिंग, और तीसरी सेटिंग होती है उसे बीप सेटिंग कहते हैं। तो हमारी जो कोर्स पिच वाले ब्लेड में सेटिंग होती है वो स्टेगर्ड या सिंगल सेटिंग होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। डबल सेटिंग जो होती है वो मीडियम पिच वाले में होती है, और जो जिगजैग सेटिंग होती है, इस जिगजैग सेटिंग को हम डबल सेटिंग को ही जिगजैग सेटिंग कहते हैं, और बीप सेटिंग होती है ये फाइन पिच वाले ब्लेडों में होती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि सिंगल सेटिंग को ही स्टेगर्ड सेटिंग के नाम से हम जानते हैं, और ये कोर्स पिच वाले ब्लेडों में होती है। तो ये दोस्त जो मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र को थोड़ा देख लीजिए। ये चित्र में देखिए जो जो पहले नंबर पर बना हुआ है ये सिंगल सेटिंग बनी हुई है, इसमें एक दांता दाएं एक बाएं, और ये हर पाँचवा दांता एक सीधा रखा जाता है, एक दाएं एक बाएं फिर एक दाएं फिर एक बाएं, तो पांच दांते हो गए, चार दांते हो गए, चार के बाद जो पांचवा दांता होगा उसको सीधा रखना पड़ेगा। जैसे मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, एक दाएं एक बाएं एक दाएं एक बाएं, चार हो गए, पांचवा दांता हम सीधा रखेंगे, क्योंकि जो मटेरियल कटता है उससे हमारा जो मटेरियल होता है बुरादा होता है वो आगे गिर जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो होती है सिंगल सेटिंग होती है। ये बेबी सेटिंग बनी हुई है, इसमें चार पाँच दांते हम दाएं करते हैं, चार पाँच बाएं करते हैं, तो ये लहर सी बन जाती है। एक क्वेश्चन और मैं इधर बताना चाहता हूँ कि इसमें जो दांतों में की सेटिंग होती है वो क्यों होती है, तो देख लीजिए इसमें क्लियरेंस मिल जाता है, क्योंकि इससे हमारा चौड़ा गैप बनेगा। जिस प्रकार से दाएं बाएं दांत हम मोड़ देंगे तो हमारा जो स्लॉट बनेगा वो चौड़ा बनेगा, तो इसमें हमारे ब्लेड की थिकनेस से चौड़ा स्लॉट बनेगा, तो अगल बगल में क्लियरेंस मिल जाएगा। जी इस तरीके से चित्र में लिखा हुआ क्लियरेंस ड्यू टू ऑफसेट, लिखा हुआ क्लियरेंस ड्यू टू बेबीनेस, यानी कि जो हमारी स्टेगर्ड में होगा उसमें ऑफसेट है दांते, और जो बेब सेटिंग है उसमें हमारे बेबीनेस है, यानी कि दोनों में ही हमारे ब्लेड को क्लियरेंस मिल रहा है। तो क्लियरेंस देने के लिए हम दांतों की सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से मैंने पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेहनत करो, एक समय आपका भी आएगा, हीरा तो नहीं बनोगे लेकिन हीरे की तरह चमक आप में जरूर आएगी, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं। तो दोस्त यदि आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हो, या कुछ अच्छा लग रहा हो आपको, या कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को बाद में आप सब्सक्राइब कर देना, अभी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको उसमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 300 × 14 × 0.8 mm मीडियम पिच वन साइड फ्लेक्सिबल ब्लेड का पिच क्या होगा। इसमें मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्त इंग्लिश से हमें कुछ करना सीखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 300 है, ये 300 है, 14, इसमें इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है, 0.8 mm, लेकिन मीडियम पिच लिखा गया है, वन साइड लिखा गया है, फ्लेक्सिबल ब्लेड। ये हमारा जो है हेक्सा ब्लेड जो होता है, जो नीचे बना हुआ है, ये हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। आपको दोस्त ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियम पिच यानी इसमें पिच कौन सा है, मीडियम पिच है। मीडियम पिच क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, चार प्रकार के पिच होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। वन साइड का मतलब एक तरफ दांते हैं, इसमें देख लीजिए एक साइड दांते हैं। फ्लेक्जिबल मतलब ये ब्लेड कौन सी है, फ्लेक्जिबल है, अर्थात इस ब्लेड में लचक है थोड़ी सी, अर्थात ये टेढ़ी हो जाएगी तो टूटेगी नहीं। तो दोस्त इसमें क्या हमें बताना, पिच क्या होगा, इसका हमें पिच बताना है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि वो 0.8 देख करके इसका पिच आंसर लगा देंगे, तो दोस्त ये वेरी वेरी रॉन्ग आंसर है। आपको इसमें जो दिया गया है 300, वो इसकी लंबाई है, देख लीजिए इधर से, एक ब्लेड के होल के सेंटर से दूसरे ब्लेड के होल के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है लंबाई होती है, तो इसके 300 mm लंबाई हो जाएगा, 14 mm इसकी चौड़ाई है, देख लीजिए विड्थ से चौड़ाई है, 0.8 mm इसकी मोटाई है, देख लीजिए थिकनेस लिखा गया है बीच में। तो दोस्तों 300 × 14 × 0.8 mm लिखा है, ये ब्लेड की लंबाई चौड़ाई मोटाई लिखी गई है, पिच नहीं लिखा गया है। पिच ये सर्किल में जो बना रहा हूँ ये लिखा है मीडियम पिच, और मीडियम पिच कितना होता है, मीडियम पिच होता है 1.4 mm। तो इसका आंसर जो है थर्ड आंसर राइट आंसर होगा, ना तो फर्स्ट होगा, ना सेकंड होगा, और ना फोर्थ होगा, थर्ड आंसर होगा। 0.8 आपको नहीं लगाना है, 0.8 नहीं होगा इसका आंसर। 0.8 कब होगा मैं आपको बता देता हूँ, यदि ऐसा लिखा होता इसके बगल में एक और गुणा में लिखा होता 1.4 mm, तो फिर इसका आंसर पिच का 1.4, लेकिन जब 1.4 लिखा होता तो हमें मीडियम पिच लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लंबाई चौड़ाई मोटाई वो पिच आंसर हो जाता लास्ट, क्योंकि इसमें तीन चीज़ लिखी है, इसलिए ब्लेड की लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा, पिच नहीं होगा। पिच को हमने अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा गया है। और दोस्त हमने एक बात और इसमें दिखाई है, पिच बराबर होता है 1/नंबर ऑफ TPI, और TPI बराबर होता है 1/पिच। इसका क्वेश्चन NCL में आ चुका है। 300 mm में 375 दांते थे, तो हमने 375 का डिवाइड करके इसका आंसर निकाला था पिच में। पिच बराबर होता है 1/नंबर ऑफ TPI। तो इस तरीके से हम पिच को फाइंड कर सकते हैं और TPI भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं,
फाइल का कौन सा भाग नरम रखा जाता है, यानी कि ये नरम लिखा हुआ है। नरम का मतलब है कि नरम रखा जाता है तो हार्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि एनसीएल में आया था कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन में नरम रखा जाता है तो ये बात तो एक ही हुई। तो ये जो हमारा फाइल का जो टेंग होता है, ये टेंग रहता है जिसको हम लकड़ी में ठोकते हैं यानी टूट जाएगा यदि हम उसको हार्ड कर देंगे, इसलिए हम लकड़ी के हैंडल में लगाते हैं, इसलिए नरम रखा जाता है, इसको बोलते हैं टेंग। इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइल इज स्पेसिफाइड वाई, यानी फाइल को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, यानी इसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है। तो फाइल का स्पेसिफिकेशन दोस्त आपको मालूम होना चाहिए, लंबाई एल, आकार से होता है, जैसे फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल होता है, कट होता है एक, और एक होता है ग्रेड होता है, ये चार चीज़ें होती हैं, लंबाई, आकार, कट, ग्रेड। अब देख लेते हैं, तो उसका फर्स्ट आंसर तो हो गया, लेकिन फिर चौड़ाई से नहीं लेते हैं दोस्त, थिकनेस से नहीं लेते हैं, ऑल नहीं लेते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का स्पेसिफिकेशन लंबाई, आकार, कट, ग्रेड से लेते हैं, तो सेकंड कट क्या है, यानी हमें ये बताना है दोस्त कि हमारा जो फाइल में जो सेकंड कट होता है उसको किस में रखा गया, लंबाई में रखा गया कि आकार में रखा गया कि कट में रखा गया है, तो ग्रेड में रखा गया। तो जो कट होता है दोस्त, लेकिन इसमें कट है लेकिन ये ग्रेड में होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात को याद करना पड़ेगा कि जो सेकंड कट है इसमें कट लिखा हुआ है लेकिन कट में नहीं आएगा, ये ग्रेड में आएगा। तो इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कट इसका गलत हो जाएगा। कट में होते मैं बता देता हूँ, सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, सर्कुलर कट। ग्रेड में होता है रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, आया देखो सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ। तो ये इसका जो है लंबाई भी गलत होगा, आकार भी गलत हो जाएगा। अब मैंने एक फाइल का एक नाम लिखा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा फ्लैट, तो ये फ्लैट फाइल है, रफ ग्रेड है, डबल इसका कट है, 200 mm इसकी लंबाई है। अब देख लीजिए, इसमें पहले आया आकार, फिर आया इसका रफ लिखा है, रफ देखिए तो रफ हो गया इसका ग्रेड, और तीसरे नंबर पे देखिए इसमें लिखा है कट, तो डबल कट, कट कट हो गया, और इसकी हो गई लंबाई। अब देख लीजिए, मैंने चारों चीज़ें बताई, लंबाई, आकार, कट, ग्रेड, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों चीज़ें आ रही हैं, लंबाई, आकार, कट, ग्रेड। तो जब हम किसी टूल स्टोर से फाइल को लेने जाते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरीके से नाम लिख देगा और वो पूछेगा कि इसमें डबल कट क्या है, डबल कट तो कट है, लेकिन यदि सेकेंड कट लिख देगा तो सेकेंड कट ग्रेड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के कितने ग्रेड होते हैं। तो दोस्त, जो हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है जिसमें स्टॉक और ब्लेड होते हैं, तो दोस्त वो इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर ही होता है। तो दोस्त उसका हम जो हम ट्राई स्क्वायर पढ़ते हैं वही इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के 3 ग्रेड होते हैं दोस्त, इसका आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। ए बी ग्रेड जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ए बी अच्छा होता है, बी भी अच्छा होता है, इसका उपयोग हम फिनिश कार या इंस्पेक्शन कार में यूज करते हैं, और सी ग्रेड का उपयोग हम वर्कशॉप में यूज करते हैं, वर्कर के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत, और फोर्थ गलत, का थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट लिखा है 200A1IS, तो देखिए इसमें लिखा गया 200 जो है ये ट्राई स्क्वायर का साइज है, जो उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, जो लंबाई ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक ली जाती है। मैं बना के थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये स्टॉक है और ये ब्लेड लगा हुआ है, तो इधर से यहाँ तक साइज लिया जाता है, ये ब्लेड की लंबाई होती है, ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। 200 A ग्रेड है इसका, ठीक है, A1 इसका ग्रेड है, 1 लिखा गया है, यानी 1 A के साथ ही आएगा, 2 जो है B के साथ आएगा, और 3 C के साथ आएगा। तो ये जो है वो ग्रेड है, और 200 इसकी लंबाई, 300 इसकी लंबाई है, B ग्रेड है, और 500 लंबाई है, और इसका C ग्रेड है। और जो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो A ग्रेड होगा वो छोटा मिलेगा क्योंकि अच्छा होगा, जो C ग्रेड होगा वो बड़ा मिलेगा हमेशा, क्योंकि इसको वर्कशॉप में यूज करना है। IS नंबर लिखा गया है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दिस फाइल इज आल्सो नोन एज विक्सन फाइल, यानी हम ये बताएं कि विक्सन फाइल हम किसे कहते हैं। तो विक्सन फाइल आपने सुना होगा दोस्त, विक्सन फाइल हमेशा एग्जाम में आती रहती है। तो सिंगल कट को हम विक्सन फाइल नहीं कहते हैं, रास्प कट को हम विक्सन फाइल नहीं कहते हैं। इसके बाद अब बचे दो, हमारा एक बचा है स्पायरल कट फाइल और एक सर्कुलर कट फाइल। तो दोस्त आपने सुना होगा, जो सर्कुलर कट फाइल होती है उसे हम विक्सन या रिजिड फ्लैट फाइल भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और इस चित्र में दिखा देता हूँ, जो पहली फाइल बनी हुई है ये सिंगल कट फाइल है, दूसरी डबल कट फाइल है, तीसरे नंबर में जो बनी हुई है ये रस्प कट फाइल बनी हुई है, इसके बाद ये जो है ये
जो आगे बनी हुई, सॉरी ये जो बनी हुई है दो फाइलें सेम बना दी गई हैं इसमें डबल कट का, एक बनी है 70 डिग्री और 51 डिग्री की और एक है 80, 87, 39 से 35 डिग्री की बनी हुई है। इसके बाद एक जो फाइल बनी है ये हाफ राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल पर स्पायरल दांते होते हैं, तो ये डी नंबर पे बनी हुई जो स्पायरल कट फाइल बनी हुई है, डी और सी जो है डबल कट है। इसके बाद जो ई नंबर पे देख रहे होंगे ये ई नंबर पे ये बनी हुई है सर्कुलर कट फाइल, इसे हम बिक्सन या रिजिड फ्लैट फाइल कहते हैं। सर्कुलर कट फाइल जो है वो फ्लैट फाइल के, ये फाइल का क्रॉस सेक्शन आप देखिए, ये फाइल फ्लैट फाइल ही होती है सर्कुलर कट, लेकिन इसमें दांते जो होती हैं वो रेडियस में घुमावदार बने होते हैं, लेकिन जो स्पायरल कट फाइल होती है ये हाफ राउंड शेप की फाइल के ऊपर जो दांते होते हैं वो हाफ राउंड शेप के ऊपर बने होते हैं। लास्ट में जो बनी हुई है जो एफ नंबर पे बनी हुई है ये है रास्प कट फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन भी आयताकार होता है। रास्प कट फाइल जो एनसीएल में आई थी और उसमें हाफ राउंड सही किया है वो गलत किया गया है, ये देख लीजिए एफ नंबर पे जो रास्प कट बनी हुई है इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार है यानी फ्लैट फाइल जैसी होती है। तो इसमें बी और सी जो दो फाइलें हैं ये डबल कट बनी हुई अलग अलग डिग्री पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज के बारे में सही विकल्प नहीं है। देखिए दोस्त इसमें नहीं बताना है कि नहीं है, ये अप्रत्यक्ष मापी है तो दोस्त टेलीस्कोपिक गेज होता है, अप्रत्यक्ष मापी होता है क्योंकि अपने आप ये रीडिंग नहीं देता है, ये रीडिंग आउटसाइड माइक्रोमीटर की हेल्प से देता है, तो ये अप्रत्यक्ष मापी है, ये तो सही बात है, ये तो नहीं बताना है। इसका माप इनसाइड माइक्रोमीटर, दोस्त ये गलत बात लिखी गई है, ये नहीं है, इसलिए इसका सेकेंड आंसर ही राइट आंसर होगा क्योंकि इसकी माप इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं आती है दोस्त, इसकी माप आउटसाइड माइक्रोमीटर से आती है, तो दूसरा आंसर ही इसका राइट आंसर है। और देख लेते हैं ये 5 सेट में मिलती है, ये तो सही बात लिखी गई है। पहला सेट 12.7 mm से 19 mm तक आता है, बिल्कुल ही मैंने साइड में इसका पिक्चर दिया है, 12.7 से 19 mm में बिल्कुल सही बात लिखी है। तो इसका नहीं वाला बताना था, इसका गलत आंसर बताना था, तो इसका सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने साइड में जो पिक्चर बनाई है क्यों बनाई है मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। ये 5 सेट में आता है, ये लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कैसे याद करोगे मैं छोटी सी इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है। ये 12 देखो 12.7 है लेकिन ये 7 लिखा हुआ है, तो 12 में हम ये 7 जोड़ देंगे, तो 12 में जब ये 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, हो गया 19, तो 19 हम इधर नीचे लिख देंगे, 19 हो गया, 12 में 7 जोड़ा 19, पहली लाइन बन गई नंबर 1, 12 में हमने 7 जोड़ा 19 हो गया। अब 19 हमने जब नीचे लिखा क्योंकि जहाँ पर इसकी लिमिट खत्म होगी वहाँ पर इसकी लिमिट चालू होगी, अब 19 हो गया, अब 19 में जी 12 जोड़ दीजिए ऊपर का, तो 19 में 12 जोड़ोगे तो 31 mm हो जाएगा, 31.7 हो गया। अब 31 को आप नीचे लिख दीजिए और 31 में ऊपर का 19 जोड़ दीजिए, तो 31 में 19 जोड़ोगे तो लगभग इसका आंसर जो होगा लगभग 52-53 mm के आसपास आ जाएगा, तो 53 हो जाएगा, 53.9। अब 53.9 नीचे लिखिए, 53 में 31 जोड़िए तो लगभग इसका आंसर जो आएगा 84-85 के आसपास आएगा, तो इसका आंसर 88 हो जाएगा। तो 88 को नीचे लिख दीजिए और 88 को फिर 53 में जोड़िए तो इसका आंसर जो है 152 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से फिक्स तो नहीं आएगा लेकिन आप जो है लगभग इसका आंसर लगा सकते हैं। और यदि क्वेश्चन आप समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट्स में जरूर लिख देना, तो मैं आपको फिर कमेंट्स में आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्त। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसके बाद अगला ये जो है ये जो टेलीस्कोपिक गेज था उसको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आउटसाइड माइक्रोमीटर में लेते हैं, इस तरीके से आउटसाइड माइक्रोमीटर में इस पिन को फंसा देते हैं और इसके माप को चेक कर लेते हैं। ये फिक्स लैग है और ये इधर पे एडजस्टेबल है और किसी स्लॉट में इस तरीके से इसको डाला जाता है, एक लैग इधर जो है टच हो जाता है, दूसरे लैग इधर टच हो जाता है और इसकी एक लैग जो है स्प्रिंग लगी रहती है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है इसमें थी स्प्रिंग, और एक जो होती है स्प्रिंग जो बाउंडेड रहता है, तो जो हमारा जो मोबाइल वाला लेग होता है वो स्प्रिंग के द्वारा लोडेड रहता है क्योंकि स्प्रिंग के द्वारा ही उस पर टेंशनाइज रहेगा। तो इस तरीके से ये बात मैंने अलग से आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर किन ब्लेडों में पाए जाते हैं, यानी जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर होता है, वो इंजीनियरिंग इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको समझना है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, क्योंकि हम आईटीआई करके किसी ऐसी वैसी जगह में काम करने वाले नहीं हैं, हम काम करेंगे भारी इंजीनियरिंग उपक्रम। भारी इंजीनियरिंग उपक्रम का मतलब होता है महारत्न कंपनी, जिस तरीके से BHEL है, NTPC है, NCL, ये सारी हमारी महारत्न कंपनियाँ हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग उपक्रम में ही आप काम करोगे और जरूर सक्सेस होगी, सफल होगी। तो ट्राई स्क्वायर में इंजीनियरिंग नहीं लिखा लेकिन आप समझिए, तो ये स्टैंडर्ड ब्लेड में होता है, बेवल ब्लेड में होता है, नैरो ब्लेड में, तो इसका आंसर दोस्त हो जाएगा, सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड ब्लेड होता है वो सीधा होता है, बेवल ब्लेड जो होता है बेवल होता है 45 और 30 डिग्री में, दोस्त इसका आप आंसर याद कीजिए कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है कितने डिग्री में बेवल होता है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। एक हमारा जो होता है बेवल
बेबिल ब्लड हो गया, इसके बाद नेहरू ब्लड लिखा हुआ। नेहरू का ब्लड का मतलब होता है सकरा ब्लड होता है, जिसमें कैसे नेहरू रूट होता है, इसकी चौड़ाई 5 mm रहती है। और एक हमारा ऑफसेट ब्लड होता है जो ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, ये ब्लड हमारा इस तरीके से ऑफसेट हो जाता है, यानी कि ये बीच में से 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है, जिस तरीके से हमारा ऑफसेट स्क्राइबर होता है। तो इसका सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पिरिट लेवल का नाम बताइए, हमें इस स्पिरिट लेवल का नाम बताना है कि कौन सा स्पिरिट लेवल है। तो इसी क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन को देखते हुए बनाया है, हमारे UPRV UNL का जो पेपर हुआ था उसमें ब्लॉक स्पिरिट लेवल का पहचानने का आया था, तो मैंने ये सोचा कि अलग स्पिरिट लेवल दूँ, क्योंकि आप ब्लॉक तो पहचान ही गए होंगे, क्योंकि UPRV UNL का पेपर आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं। मैंने यूट्यूब पर भी UPRV UNL का पेपर डाला था, और आपने यदि उसको नहीं किया और आप UPRV UNL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर 2-3 पेपर सॉल्व करना पड़ेंगे। किसी भी एग्जाम को जाने से पहले आप उनके पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो हमें आप कमेंट्स कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो आप उससे सॉल्व कर लेना। तो ये जो स्पिरिट लेवल होता है ये प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होता है, लेकिन इसमें प्रिसीजन स्पिरिट लेवल कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया है इंजीनियरिंग प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। तो दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी इंजीनियर से कम नहीं हो, आप ITI करने के बाद भाई इंजीनियरिंग उपक्रम में ही काम करोगे, इसलिए फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्पिरिट लेवल तो ये नहीं है, ब्लॉक तो इस प्रकार से चौकोर होता है, उसे हम ब्लॉक स्पिरिट लेवल कहते हैं, नहीं दिया है, बूथ है नहीं, और इसका कोई नहीं होगा, तो इसका कोई नहीं होगा नहीं, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्लैट सतह की लेवलिंग को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र में स्क्वायर हेड के प्रोटेक्टर हेड को बताएं, यानी जो हमारा स्क्वायर हेड में स्क्वायर हेड की नहीं तो गलत क्वेश्चन होगा, इस चित्र में कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए, इधर ही गलत लिखा गया है, कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए इधर पे दोस्त, कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड को बताएं, यानी कॉम्बिनेशन का ये पटरी है, रूल है, इस पे 3 हेड लगे हुए हैं, तो इसको हमें ये बताना है कौन सा स्क्वायर हेड है, तो दोस्त कौन सा प्रोटेक्टर हेड है, तो प्रोटेक्टर हेड होता है दोस्त चांदा, कैसे समझेंगे, क्योंकि बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, बेबल प्रोटेक्टर, बेबल का मतलब चांदा होता है, तो चांदी से हम डिग्री में काम करते, देख ली किस में चांदा है, तो बीच वाले में चांदा है, तो ये मिडिल, तो फर्स्ट आंसर हमारा मिडिल वाला आंसर हो जाएगा, लेफ्ट होगा नहीं, राइट होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, तो हमारा फर्स्ट वाला जो जो ऑप्शन मिडिल वाला होगा, या जो बीच में है जो, वो प्रोटेक्टर हेड हो जाएगा। इसके जो लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये हमारा सेंटर हेड है, देखिए इसमें सेंटर से जा रहा है, इससे किसी सिलेंड्रिकल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। इसके बाद ये 90 डिग्री में बना हुआ, देख लीजिए 90 डिग्री में बना हुआ, इसे हम स्क्वायर हेड कहते हैं। तो दोस्त ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप UPRV UNL सिंचाई विभाग या वार्क या इसरो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा, इसलिए हमारे वीडियो को देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब